अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखिर मकदम। आज फिर बात करते हैं हल्द्वानी की, क्योंकि अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हल्द्वानी में बजाय नोटिस दिए तमाम कार्रवाई की गई। और इस खबर को जब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं तो दलील के साथ बोल रहा हूं। मुख्तलिफ मीडिया चैनलों में इस खबर को शाया भी किया गया है, सिवाय गोदी मीडिया के, क्योंकि आजकल सरकारी न्यूज चैनल ही मिलेंगे। पहले सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था कभी जमाने में, और ये चैनल भी सरकारी होने के बावजूद कुछ हद तक सच भी बोलता था। अब कुछ एक गिनती के बचे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। हम भी दलील के साथ ही बात कर रहे हैं, वरना फिर आई बी के रिपोर्ट के मुताबिक प्रोवोकेटिव न्यूज कहकर फिर किसी थाने को बुलाया ना जाए। खैर, आज की रिपोर्ट भी आपको ताज्जुब में डाल देगी, कैसे बुलडोजर मुसलमानों की मिल्कियत को तबाह करने का जरिया बनाया जा रहा है। अब हल्द्वानी में भी किसी अदालती नोटिस के जोर जबरदस्ती से बुलडोजर चलाए गए, जिसके नतीजे में फसाद हुआ। क्यों हुआ? आखिर गोली चलाने की नौबत क्यों आई? मुसलमान एहतजाज करते हैं तो गोलियां चलती है। 6 लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि और भी लोग मारे गए। इस वीडियो में आप सुनिए, एक ही घर के 4 लोग मारे जाने की बात कही जा रही है। हमारे घर की तरफ बहुत लोग, 20-25 लोग खत्म हो गए। मेरे चाचा भी खत्म हो गए, मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। चाचा के सीने में गोली लगी, भाई के पेट में गोली आर पार। क्यों गोली मारी गई? पता नहीं सर, फायरिंग उल्टी सीधी कर रहे थे पुलिस वाले सर। जाने आने नहीं देना, घेर रखा था चारों तरफ से। बहुत बुरा हाल कर रखा। हमारे तरफ के डॉक्टर है, उनको भी मार दिया गोली, उनके भी गोली मार दिया कंधे पे। और 25 लोगों की जान चली गई है, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो लंदन की एक तंजीम है, जिसने भारत में बुलडोजर तहजीब, जो मखसूस मुसलमानों की मिल्कियत पर चलाने की आदि होती जा रही है, इसे रोकने का ऐलान किया है। और मोदी योगी हुकूमत में मुस्लिम मुखालिफ फैसले लेने का भी इल्जाम लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई सारे नुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मोदी हुकूमत इसराइल के नक्श कदम पर चलकर मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी एग्नेस कैलामार्ड ने कहा कि भारतीय अफसरान के जरिए मुस्लिम मिल्कियतों को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसे सियासी पार्टियों के साथ उनके लीडरान की भी हिमायत हासिल है, और इस ज्यादती को इंसाफ के तौर पर मीडिया पेश कर रही है, जो इंतहाई खौफनाक है। इस जुल्म से कई खानदान तबाह हो रहे, लिहाजा इसे फौरन रोक देना चाहिए, ऐसा लंदन की एमनेस्टी तंजीम ने कहा है। लिहाजा इस रिपोर्ट में 2014 से गोरक्षकों के जरिए मुसलमानों को पीट कर जान से मारने, इनके मॉब लिंचिंग से मुसलमानों को मारने से लेकर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा तक कितने फसाद हुए हैं, इसके तफसीलात भी पेश किए गए। एक बार फिर हल्द्वानी पर आते हैं, क्योंकि इस पर आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज फिर बुलडोजर चलाया गया। हल्द्वानी के मालिक के बगीचे मदरसे में अफसरान के जरिए मदरसे और मस्जिद को शहीद करने के बाद मुसलमानों ने एहतजाज किया और इसकी मुखालफत की। इस मस्जिद मदरसे को शहीद करने के बारे में लोगों को किसी तरह का नोटिस या पहले हिदायत नहीं दी गई थी। अवाम ने जब डेमोलिशन के दस्तावेज पूछे तो अफसरान ने इनकार किया, ऐसा बताया जा रहा है। मुस्लिम खवातीनों पर भी बेरहमी से लाठियां चलाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। पुलिस के जरिए रबर की गोलियां चलाने और आंसू गैस छोड़ने के बाद कई खवातीन और मर्द शदीद जख्मी हो गए। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आला अफसरान के साथ मीटिंग की और देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया। ये भी जो खबर आपको दिखा रहा हूं, ये न्यूज क्लिक से ली गई है, और कई इसमें जो नुकात लिए गए वो अलग अलग। ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक हिंदू भीड़ के जरिए कल रात कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर मुस्लिम मिल्कियत को कथित तौर पर निशाना बनाने की खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मुखालिफ नारे भी लगाए गए। मकतूब मीडिया के मुताबिक कई रिपोर्टरों को भी हिरासत में लिया गया, जो सही खबरों को शाया कर रहे थे। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर तोहीन आमोज पोस्ट भी कुछ तंजीमों की जानिब से वायरल की जा रही है। हिंदुत्व की ओर झुकाव रखने वाले नामों के साथ बता रहा हूं। आनंद रंगनाथन ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की और कहा कि मुसलमान आबादी को बढ़ाकर हिंदुओं के जमीन पर कब्जा करना चाहता है। एक तरह से बुलडोजर तहजीब को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। इसी बात को लक्की वैष्णव ने भी दोहराते हुए कहा कि मुसलमानों की मिल्कियत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। इसी तरह कई हिंदुत्ववादी सोच रखने वालों ने बुलडोजर को सही साबित करने की कोशिश की है। इस बीच कांग्रेस के हल्द्वानी से एमएलए सुमित रिदेश ने कहा कि अफसरान ने जल्दबाजी की और मुकामी मदरसे के मौलानाओं को भरोसे में नहीं लिया। बिना किसी हिदायत या नोटिस के आप वहां नहीं पहुंच सकते, यानी कि अफसरान को पुलिस महकमा के साथ वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, लिहाजा आज काला दिन है। हल्द्वानी में हमेशा अमन भाईचारा रहा है। कुछ सवाल वैसे भी जहन में आते हैं, क्या सिर्फ
मदरसे मस्जिदें ही गैर कानूनी है जो बार बार बुलडोजर वहां चलाए जाते हैं। क्या मुसलमान ही दंगाई होते हैं जो बुलडोजर के जरिए इनके घरों दुकानों को तबाह किया जाता है? कोई बताए तो सही कि मस्जिदों मदरसों पर भगवा परचम लगाने वाले या खुलकर फसाद करने वालों के घरों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला जा रहा? आखिर मस्जिदों के सामने से ही डीजे गालियां गाने जुलूस क्यों निकाले जाते हैं? लिहाजा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हिदायत दी है और आज हल्द्वानी में फिर से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों घरों को ढा दिया गया एक बहुत ही फिक्र का मौजू है। लोकसभा चुनाव के पहले एनआरसी को लागू करने की बात फिर से एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई। वैसे तो एनआरसी उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है, जल्द मुल्क भर में लागू करने की बात भी कही जा रही है। भले अमित शाह मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं कह रहे हैं, लेकिन असल निशाना तो मुसलमान ही है, क्योंकि जिनके पास कागजात दस्तावेज नहीं है और वह हिंदू है या तो मुसलमान छोड़कर किसी और धर्म के हैं तो CAA में कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान है तो इसे राशन नहीं दिया जाएगा, इसका वोटिंग राइट नहीं होगा, तमाम सहूलतों से महरूम करते हुए इसे और दबाया जाएगा। खैर, इन तमाम हालात के दरमियान मुस्लिम समाज दबता पिछड़ता जा रहा है। भारत कर्जदार मुल्क तो हो चुका है, हंगर इंडेक्स में और भी पिछड़ता जा रहा है। तकरीबन 80 करोड़ के करीब लोगों को भुखमरी की कतार पर दिखाया जा रहा है, लेकिन हिंदुत्व, राम मंदिर, ज्ञानव्यापी, काशी, मथुरा, हिंदू राष्ट्र के आड़ में लोगों को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुल्क के संविधान को ये खत्म करने की साजिश मनुवादियों की जानिब से की जा रही है, लेकिन बढ़ता धर्म मजहब मुस्लिम विरोध का दायरा मुल्क की आलमी तस्वीर को दागदार कर रहा है, पर यहाँ फर्क किसी को पड़ता नजर नहीं आ रहा, ये भी उतना ही सच है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरें। किला तालाब के नजदीक अशोक सर्कल में कल जो सड़क हादसा हुआ था, आज जख्मी की मौत हो गई। इत्तला के मुताबिक अशोक सर्कल में बैरिकेड्स की वजह से रॉन्ग साइड से जाने वाले ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मारी, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ था। उसे अस्पताल ले जाएगा, लेकिन उसकी बाद में मौत हो गई। मयत का नाम श्रीकांत हम्पन्नावर है, जो मारुति नगर का बताया जा रहा है। आज सड़क हादसे में 17 बकरियों की जान चली गई। यह वारदात हलगा गांव के नजदीक पेश आई। चरवा अपनी बकरियों को लेकर हाईवे के बाजू से जा रहा था, उतने में तेज रफ्तार ट्रक ने बकरियों को ठोकर मारी, जिसमें 17 बकरियों की मौत हो गई। इन बकरियों के मालिक ने बताया कि 3 लाख से ज्यादा नुकसान हो चुका है। चरवा और उसकी बीवी इस वक्त मातम करते हुए देखा जा रहा था। मामला हीरेबागवाड़ी थाने में दर्ज किया गया। आज सहारा डायग्नोस्टिक चैरिटेबल सेंटर की इफ्तिता जनाब आसिफ सेठ और डॉक्टर महेश कोनी के हाथों अमल में आई। इस वक्त दिगर मेहमानान और आवाम ने इनको मुबारकबाद पेश की। सहारा फाउंडेशन के सदर सलमान शेख ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। आखिर में एक अहम खबर। आज मौलाना सलमान अजहरी की जमानत मंजूर कर दी गई। वैसे उन्हें पहले जूनागढ़ मामले में जमानत हासिल हुई थी, आज दूसरे मुकदमे में भी जमानत हासिल हुई। दूसरा मुकदमा कच्छ में दर्ज किया गया था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।